आप देख रहे हैं केसरी न्यूज भारत, खबर भारत की। फांसी के फंदे पर झूली विवाहिता, आत्महत्या का कारण अज्ञात। खबर बेगमगंज के सुल्तानगंज से है, जहां एक विवाहिता ने अपने ससुराल में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। फिलहाल पुलिस को कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। आपको बता दें कि 26 वर्षीय मृतका सुषमा रैकवार का विवाह 7 वर्ष पूर्व सुल्तानगंज निवासी सतपाल रैकवार से हुआ था। मृतका की एक 3 वर्ष और एक 5 वर्ष की दो बेटियां हैं। घटना करीब 4 बजे की बताई जा रही है। परिजनों से मिली जानकारी के अनुसार, जिस वक्त विवाहिता ने फांसी के फंदे पर झूलकर आत्महत्या की, उस वक्त सास, ससुर, देवर और पति सभी काम से बाहर गए थे। शाम 4 बजे जब मृतका की भांजी संस्कृति स्कूल से घर आई, तब उसने मृतका को फांसी के फंदे पर झूलता देखा, जिसकी सूचना उसने परिजनों को दी। परिजनों की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को उतारकर पीएम के लिए अस्पताल भेजा गया। पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच में जुटी है। अभी मौत का कारण अज्ञात है। पुलिस जांच और पीएम रिपोर्ट के बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। आज 5 बजे थाने पर हल्ले रैकवार ने सूचना दी कि हमारी भाभी ने घर के अंदर मेयर में फांसी लगा ली है। तो थाने में उसकी रिपोर्ट पर मर्ग क्रमांक 44/22 कायम कर मौके पर पहुँचे, पंचनामा तैयार कर डेड बॉडी को पीएम हेतु मर्चरी रूम रवाना।